ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है, मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। देखिए अखिलेश, देखिए ये लोग जो ऐसे लोग हैं ये हताश और निराश लोग हैं, राजनैतिक रूप से ये असफल साबित हो गए हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे, उन्होंने इस तरह की बातों को किया है और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। आप बताओ ना, आप लोग, आपको नहीं लग रहा राजनीति कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे, हमने तो अभी कहा आपको कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर भी राजनीति करने वाले वही लोग हैं जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, जो इस देश में जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, जरूरतें पूरी हो रही हैं, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका सामना वो सीधे सीधे नहीं कर सकते, इसलिए झूठे आरोप लगाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसी भी घटनाओं पर राजनीति करते हैं। एक आखिरी सवाल, एक वीडियो को लेकर से, एक वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सत्यता को लेकर जो हुआ है, आपका कहने मतलब ये हादसा जो हुआ है ये लोग बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर के अच्छे काम को, देखिए आप देखिए, हाँ जो किसानों ने जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहां होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष जाँच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूँ तो उसके बेटे के खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज होती। हम FIR भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। सहयोग क्यों नहीं कर रहा है मंत्री जी? कौन नहीं सहयोग कर रहा है? नहीं बिल्कुल, ऐसा आप देखिए, आपके कहने से अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करिए। नोटिस कल सर्व कराई गई, नोटिस 10 बजे का वक्त था, लिख के दिया। अरे कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होती है, कुछ वो भी जानो, सारा ट्रायल इसी पर कर ले। नाराज आप हो रहे हैं? मैं नहीं नाराज हूँ, मैं क्यों नाराज हूँ? आप सत्ता में हैं तो आप जैसे लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर किसी का पावर, किसी का रसूख नहीं चलता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे। आपके बेटे के लिए बोला गया कि वो बाएं साइड में बैठे हुआ था बेटा, लेकिन नहीं था, सुमित जायसवाल था। एक वीडियो की बेटा आपका मौके पर नहीं था, बिल्कुल नहीं, और गाड़ी में भी नहीं था, किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था, घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है। तो सुन रहे थे आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को, और साफ तौर पे फिर से वही बात दोहराते नजर आए कि भाग नहीं रहे हैं आशीष, तबीयत खराब थी और लिखित में दिया है कि तबीयत खराब है और कल 11 बजे आ जाऊंगा सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ, जांच एजेंसियों के सामने पेश हो जाऊंगा। अजय मिश्र टेनी के साफ तौर पे आरोप है कि विपक्ष सरकार को बदनाम करना चाह रही है, मोदी सरकार के अच्छे कामों से घबराई हुई है, इसीलिए ये आरोप लगाया जा रहा है। और उस वीडियो को भी नकारते हैं अजय मिश्र टेनी जिसके बारे में सवाल किया गया, जो वायरल वीडियो है जिसमें आशीष दिखाई दे रहा है, उस पर उनका कहना है कि जो कार्यक्रम स्थल था जहां दंगल का कार्यक्रम होता था पुश्तैनी, वहां था आशीष, ना कि 4 किलोमीटर आगे उस चौराहे पर।